स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की? ए 15वीं किस्त, बी 16वीं किस्त, सी 17वीं किस्त, डी 18वीं किस्त। आंसर सी 17वीं किस्त। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सोमवार को तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाल लिया है। साथ ही पहले ही दिन पीएम ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर लिया। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न: हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। आंसर सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया। उद्घाटन कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया था, जो दून घाटी और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही रोमांच पसंद लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए ब्रह्मांड के आश्चर्यों को देखने के लिए आकर्षित करना है। अगला प्रश्न: हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? ए रूस, बी अमेरिका, सी इटली, डी ब्रिटेन। आंसर ए रूस। एक्सप्लेनेशन: वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में रूस भारत को तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रहा। दिसंबर में आयात 25% बढ़ा, जो देश में लाए गए कच्चे तेल का लगभग एक तिहाई हिस्सा था। $3.92 बिलियन पर रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति का मूल्य साल दर साल 25% बढ़ गया। अगला प्रश्न: फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता? ए राफेल नडाल, बी कार्लोस अल्काराज, सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डी नोवाक जोकोविच। आंसर बी कार्लोस अल्काराज। एक्सप्लेनेशन: स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 9 जून 2024 को रोलैंड गैरोस में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। कार्लोस अल्काराज का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अल्काराज 2022 में अमेरिकी ओपन और 2023 में विंबलडन खिताब जीत चुके हैं। 21 साल की उम्र में अल्काराज तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न: किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। आंसर डी हरियाणा। एक्सप्लेनेशन: हरियाणा के ग्रामीण इलाके में लोग सबसे ज्यादा पैसे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं। यह उनके खाने के खर्च का 41.70% है। वही भारत के दक्षिणी राज्य केरल में लोग खाने के खर्च का 23.5% हिस्सा मांस, मछली और अंडे जैसे मांसाहार भोजन पर खर्च करते हैं।